प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हम वैदिक गणित के 10 सूत्र के बारे में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करें, या ये कहें कि बेहद महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। और इस सूत्र का जो उपयोग है वो लगभग लगभग प्रत्येक विद्यार्थी गणित में करता भी है। तो आइए देखते हैं सूत्र 11, जिसका नाम है व्यष्टि समष्टि। हमारा जो वैदिक गणित का सूत्र नंबर 11 है, उसका नाम है व्यष्टि समष्टि। यहाँ पे जो व्यष्टि है, व्यष्टि का जो अर्थ है वो है एकल या एक या फिर एकाकी या फिर व्यक्तिगत। मतलब जो व्यष्टि है वो एक से संबंधित है और जो समष्टि है वो समूह से संबंधित है। तो इसका जो अर्थ हुआ, इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो ये है एकल, एकाकी या व्यक्तिगत और समूह। व्यष्टि एकल के लिए और समष्टि समूह के लिए। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको लिखेंगे हम स्पेसिफिक एंड जनरल। तो ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया। अब अगर इस वैदिक गणित के सूत्र के उपयोग की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं हम इसमें से। जैसे कि इसका जो एक उपयोग है वो आंकड़ों का औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या व्यष्टियों का औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण एक हमने ले लिया। जैसे हम कहें कि 5, 7, 3, 4 और 6 और 6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हमें पता है कि जो औसत होता है, औसत किसके बराबर होता है? ये होता है व्यष्टियों का योग बटे में कुल व्यष्टि भी लिख सकते हैं, या फिर व्यष्टियों की संख्या, जिसको आप आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या से भी लिखते हैं। अब व्यष्टियां हैं हमारे पास 5, 7, 3, 4 और 6, इनका योग है, मतलब इनको प्लस करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे औसत ज्ञात कर रहे हैं। औसत मीन्स क्या है? ये हमारे पास एवरेज, जिसको आप मीन भी बोलते हैं। औसत यहाँ पे आप इसको माध्य भी कह सकते हैं, औसत या फिर माध्य, एवरेज या फिर मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको इनका जोड़ कर देंगे और डिवाइड में जितनी है ये वो कर देंगे। तो कितनी है ये हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 और 7, 12, 15 और 10, 25 डिवाइड बाय 5, 5 बन जाए 5, 5 तो 5। ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो आंकड़े गिवन है, जो व्यष्टियां गिवन है, इसका जो औसत है, इसका जो माध्य है, एवरेज या मीन है, वो कितना आ गया? 5। तो एक तो ये हो गया औसत ज्ञात करने के लिए। एक और है हमारे पास, अगर हम एक और उदाहरण लें, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करें कि 36 और 48 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? 36 और 48 का HCF। HCF क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में
महत्तम समापवर्तक और एलसीएम, यह हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट भी कह देते हैं लोएस्ट भी कह देते हैं, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, ये इसका हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य। अब जैसे हमें 36 और 48 का जो है क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे 36 और 48 को लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं, कुछ इसको इस तरह से भी लिखते हैं, और कुछ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 36 को अलग से और 48 को अलग से करते हैं। आप किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां बीच में कोमा लगा लो या डैश लगा लो, एक ही बात है, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं है। तो यहां पे आपको देखो, अब इनको इनके अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं हमें, प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं हमें इसके, तो ये दोनों किसी पे डिवाइड हो जाएंगे क्या, ये दोनों ही 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 पे कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 18 और यहां पे आ जाएगा 24, फिर दोबारा से 2 पे हो जाएंगे, यहां पे 9 आ जाएगा और यहां पे 12 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास अब 2 पे तो नहीं होंगे लेकिन 3 पे हो जाएंगे, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। अब 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा समापवर्तकों का गुणनफल, ये समापवर्तक है, ये जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर सही है हमारे पास, समापवर्तकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, समापवर्तकों का गुणनफल। देखो सम, सम मतलब समान, अपवर्तक मतलब इसके जो फैक्टर है। अब यहां से हमारे पास देखो कि ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं या फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे 2 × 2 × 3 12 आ जाएगा। अब आप लिखते हैं एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक, ये होगा हमारे पास समापवर्तकों का गुणनफल गुना विशेष अपवर्तकों का गुणनफल। अब विशेष का मतलब जो ये बच गए जिनमें और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये 3 और 4 क्या है, ये विशेष अपवर्तक है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × विशेष अपवर्तक हो गए 3 और 4 2 × 2 = 4 × 4 = 12 × 12 = 36 और 36 × 4 = 144 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब ये एचसीएफ और एलसीएम आपका सही आया है या नहीं आया है, इसकी जांच करने का एक तरीका है, जिन दो संख्याओं का आपने ये जो एचसीएफ है निकाला है और एलसीएम निकाला है, तो पहले इन दोनों संख्याओं की गुणा करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी कि किसका किसका, 36 का और 48 का हमें गुणनफल करना है। तो यहां से हम कर देते हैं, 48 से ये 8 आ जाएगा 4, 24 और 28
24 से 4 2 12 और 2 14 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 12 2 7 और 1 1728। अब जो HCF और LCM की गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी यही आना चाहिए, ये भी यही आएगा, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों संख्याओं की का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल इक्वल होता है। तो अब यहां पे हमारे पास HCF है 12 और LCM है 144, इसकी तो हम ऐसे ही करेंगे 12 चौके 48 8 4 12 चौके 48 और 4 52 2 5 आ जाएगा 12 एकम 12 और 5 17 है। तो ये देखो यही आ गया हमारे पास, तो दोनों सेम आए, इसका मतलब जो हमने HCF और LCM निकाले हैं वो सेम है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास वैदिक गणित के एक और महत्वपूर्ण सूत्र व्यष्टि समष्टि के बारे में बेसिक जानकारी। इस सूत्र का प्रयोग आप पांचवी कक्षा से करते आ रहे हैं, फिफ्थ क्लास से करते आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपने HCF निकालना और LCM निकालना सीख लिया था, और सिक्स क्लास में आपके पास औसत या एवरेज मीन या फिर ये जो हमारे पास माध्य है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपने बहुत सिक्स क्लास से शुरू हो गए थे आपके पास। तो इस सूत्र का जो प्रयोग है वो आप लगातार करते आ रहे हैं। ये बात और है कि वो सूत्र यहाँ पे इस तरह से उसके बारे में बात नहीं की गई है, इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास ये संस्कृत का शब्द सूत्र है, जो ये शब्द सूत्र है हमारे पास, इसके अर्थ के अनुरूप हमने बेसिक जो एग्जाम्पल है वो लिए है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।